प्रोफेसर संगीत रागी साहब मारे गए हैं, ये तिरंगे की इज्जत कर रही है महबूबा मुफ्ती। ये जो बयान है ये तिरंगे की इज्जत में दिया गया है। धारा 370 और 35 ए की आड़ में जी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अब्दुल्ला जी की पार्टी है और पीडीपी, ये दोनों भारत के खिलाफ मुहिम पिछले 70 साल से चला रहे थे। इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। इन्हीं आड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ा सॉफ्ट सेसेशनिस्ट मूवमेंट के साथ था और पीडीपी के बारे में तो मेरा अपना मानना है और ये सारे लोग जो जानकार हैं जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स के, उनका पाकिस्तानी रेडिकल्स के साथ हाथ था। तो इनसे ये उम्मीद करें कि ये नहीं चाहिए, ये भारत के तिरंगे के बारे में बात करेंगे, ऐसी तो हमें उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। आखिर इन्हीं लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद की फसल को खड़े करने में मदद किया। ठीक है, आप कह रहे हैं इनसे ये उम्मीद ही बेमानी है। एक अहम खबर इस वक्त, ताजा अपडेट हमारे पास ये आ रही है कि कश्मीर में आज 2 बजे गुपकार समझौते पर बैठक होनी है। महबूबा मुफ्ती के घर पर गुपकार समझौते को लेकर बैठक होने जा रही है। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता जो इस वक्त है वो हमारे साथ मौजूद है। इरफान, ये बताइए एजेंडा क्या है इस मीटिंग का? देखिए समीर, मैं आपको बता दूं, ये जो गुपकार डिक्लेरेशन जिसका नाम पीपल्स अलायंस रखा गया है, आज महबूबा के घर पर एक बैठक रखी गई है जिसमें तमाम 6 पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे और हो सकता है फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला भी वहां पर रहें। हाँ। आज का जो एजेंडा है वो ये है कि जो गुपकार डिक्लेरेशन है यानी पीपल्स अलायंस है, इसको एक स्ट्रक्चराइज करना है। इसमें प्रेसिडेंट इसके या जनरल सेक्रेटरी या बाकी जो इसके सिग्नेटरीज है उनके जो पद है वो आज घोषित कर दिए जाएंगे और सूत्रों के हवाले से फारूक अब्दुल्ला को इसका प्रेसिडेंट बनाया जाएगा ताकि गुपकार डिक्लेरेशन का जो एजेंडा है वो आगे ले आ जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारत वर्ष पर।